सो गाइस, एक और वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ पर ए एम इन्फोटेक से। छोटी मोटी एसेसरीज हम कवर करने वाले हैं, प्रोसेसर वो कवर करने वाले जो डिमांड में रहते हैं, ठीक है। एस एस डी, एन वी एम ई, ए आई ओ, ग्राफिक कार्ड तो कर ही लिए है, और कुछ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यहाँ पर हम जैसे है 610 और गीगाबाइट 20, 660, साथ के साथ कुछ पावर सप्लाई भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखो, सारी कवर करूं आप भी बोर हो गए, वो कवर करते हैं ना जो सबसे ज्यादा सेल होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइमलाइन नीचे मिल जाएगी। अगर आप कुछ मदरबोर्ड और स्पेशल कुछ चीज देखना चाहते हो तो टाइमलाइन पर जा सकते हो। तो चलिए भैया, बात करते हैं पहले कुछ उन प्रोसेसर को जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर i3-10100F, सब सस्ता प्रोसेसर होता है एक तरह से ही है। कितने का है i3-10100F? आएगा आपको 6150 रुपये, मतलब 6150। ओके, एंड भैया अगर बात करी जाए यहाँ पर 12th जनरेशन में आते हैं, यहाँ पर i3, i5, i7 को कवर कर लेते हैं। i3-12100F और 12100 F नॉन F दोनों का प्राइस मुझे बताइए। i3 में i3-12100F आपको आ जाएगा 8400 का, बाकी 12100 आपको आ जाएगा 10800 का। 10800। अच्छा, इनमें मुझे बोर्ड भी बताओ, क्योंकि देखो सस्ते ये प्रोसेसर है ये। इसके लिए बोर्ड अगर आ गए, आई थिंक मैं सही हूँ, तो इन्हें थोड़ा साइड में रखे। इसके ये रहा, इसके नीचे ये ASUS प्राइम H610ME D4। ओके, अच्छा गीगाबाइट का भी आता है, इसकी पहले प्राइस बताइए, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगा 6950 का, 6950। और गीगाबाइट वाला सेम इसमें आता है ना, 61MH, वो भी आपको दे दूंगा 68 में मिल जाएगा गीगाबाइट। 150 का फर्क है, 150 का गैप रहता है 61। ओके, एंड अगर बात करी जाए भैया i5 की तरफ बढ़ते हैं, i5-10-12400F और 12400 खाली F नॉन F दोनों का प्राइस बताओ। i5-12400F आपको आएगा 15400 रुपये का, एफ वाला 15400 रुपये। बात करी जाए यहाँ पर नॉन एफ क्या रेट होगा? 17500 का। देखो ये हो गए वो प्रोसेसर जो सबसे ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, सबसे ज्यादा पीसी जिस पर बन रहे हैं, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा इसी में अगर थोड़ा सा हैवी अगर मॉडल देखा जाए, MSI Pro Z690A Wi-Fi DDR4, क्या प्राइस है भैया इसका? इसको आप i7 और i9 के लिए यूज कर सकते हो। ये आपको आएगा, ये K सीरीज पे ज्यादातर यूज होगा। हाँ, K सीरीज जो ओवरक्लॉक हो सकती है, K के साथ ही Z बेटर रहता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ Z690 का मतलब है वन ऑफ द टॉप हैवीएस्ट मदरबोर्ड, और ओनली K के साथ ही प्रीफर करे। हाँ, या फिर i7 या फिर i9, i5 में भाई Z डालने को सेंस बनता नहीं है, बट फिर भी इस मदरबोर्ड का क्या प्राइस बनता है? ये आपको मैं दे दूंगा 19500। एक और मैं मदरबोर्ड यहाँ पर पूछना चाहूंगा जो बीच में आ जाते हैं, GIGABYTE 660। इसमें दो आते हैं, वाईफाई नॉन वाईफाई। नॉन वाईफाई मुझे बता दीजिए। नॉन वाईफाई आपको आ जाएंगे अराउंड 9000 से लेकर 10000 तक, B660DS3H आता है जो। एंड अगर वाईफाई वाले की अगर बात करी जाए यहाँ पर 12000 रुपए के रेंज में आते हैं गीगाबाइट की। ओके, देन अगर बात अगर आप 12 जेन के लिए ले रहे हैं, 10 जनरेशन के लिए जाएंगे तो 7000 से 8000, 9000 के बीच में आ जाता है। ओके, आपका 460। हाँ, ग्रेट। एंड भैया अगर बात करी जाए इसी में, अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो हम i7 भी कवर कर लेते हैं। i7-12th generation F और नॉर्मल दोनों का प्राइस बता दीजिए। वैसे तो एफ का ही बता दीजिए, क्योंकि इस बजट पे तो हर इंसान ग्राफिक कार्ड ही लगवा लेता है, तो एफ का ही प्राइस बता दीजिए। 12700F आपको आएगा 28500 का। भैया अगर बात की जाए यहाँ पर i9-12900K और 12900KF, KF तो आपके पास यहाँ रखा भी है, तो दोनों का प्राइस दे दीजिए। पहले KF का प्राइस बताइए। i9-12900KF आपको आ जाएगा 44500 का, और i9-12900K आप पूछोगे तो पता आ जाएगा 48000 का। 48000 का यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेसर। AMD के सेगमेंट में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे बताइए B450 में सबसे सस्ती गीगाबाइट में कौन सी मदरबोर्ड होगी? B450 में जैसे यार कुछ रखे भी थे मैंने देखे, जैसे यहाँ पर 4 बोर्ड आपके पास रखे है, ये क्या रेट है? अगर कोई कस्टमर लेता है B450 MH, ये जो MH गीगाबाइट का वाला है, ये आपको दे दूंगा मैं 4700 का। 4700 का 4700 का रहने वाला है। एंड गाइज, ये वो मदरबोर्ड है, मतलब बायोस अपडेट करके आप कोई सा भी प्रोसेसर इसके अंदर चला सकते हो। एंड बात करते हैं यहाँ पर रैम, NVMe के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिखाओ भैया NVMe आपके पास कौन कौन सी है? NVMe में देख लीजिए, सैमसंग का मिल जाएगा। स्टार्टिंग करिए थोड़ा सस्ते से भैया, सीधे 1TB दिखा रहे हैं आप, तो चीपर मिल जाएंगे तो नेक्स्ट्रॉन वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट्रॉन 128GB NVMe है क्या? SATA है? NVMe है।
एंड काइजन से सर्विस, मतलब वारंटी नेक्स्ट ऑन काइजन से सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर रहेगा, ये आपको दे दूंगा 1150 रुपए का, 1150 रुपए। इसी में अगर 256 GB ली जाए, 256 GB आपको आएगी 1900 रुपए की, 1900 रुपए की। अगर बात की जाए एक्सपीजी की, 256 GB वो क्या रेट होगी? एक्सपीजी की आपको आ जाएगी 2100 रुपए की, 2100 रुपए की मिल जाएगी। और अगर बात की जाए यहाँ पे एक्सपीजी ए डाटा की रैम भी आते हैं यहाँ पर 8 GB की सिंगल मॉड्यूल, क्या रेट होगी वो? XPG A डाटा की 8 GB आपको दे दूंगा 2000 रुपए में, 2000 रुपए की। एक चीज और मुझे बता दीजिए, कॉर्सर में रैम भी बता दीजिए 8 GB 3200 MHz में। देखो ये पड़ी हुई अभी RGB की, ये RGB वाले मॉडल से 3200 MHz। अच्छा RGB कवर कर लेते हैं, वैसे कवर कर लेते हैं, नॉर्मल क्या रेट पड़ती है? नॉर्मल 16 GB DDR4 आपको आएगी, 8 GB बताइए कॉर्सर की, 8 GB 3200 MHz की, कितनी? 2200 रुपए की, 2200 रुपए की, ओके। एंड ये भी RGB रैम आपकी 16 GB की सिंगल स्टिक RGB 3200 MHz, जिनको RGB पूरे डेस्कटॉप बनाने उनके लिए ये आपको आएगी 5500 की, 5500 की स्टिक लेंगे तो, ओके। देन भैया ये इसी में नॉन RGB जो आती है 3200 MHz वो आपको दे दूंगा 4500 में, 4500 16 GB की स्टिक। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर ये PNY की 16 GB की 3200 MHz सिंगल स्टिक RGB रैम, क्या रेट है? ये आपको दे दूंगा 5100 की, 5100 की होने वाली है। एक अलग चीज है प्रोसेसर, जिन लोगों को थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफिस वर्क के लिए अगर कंप्यूटर बनाना हो तो एथलॉन के साथ बहुत प्यारा कंप्यूटर बनेगा कम बजट में रहते हुए। एथलॉन का स्टील पैक क्या रेट है? ये प्रोसेसर आपको आएगा 5100 का, 5100। इसी में एक OEM भी आता है, OEM आपको दे दूंगा 4300 में, 4300 फैन के साथ होगा, बिना फैन के होगा ये? विदाउट फैन रहता है, विदाउट फैन होगा, फैन का एक्स्ट्रा 300 कुछ है। अच्छा 300 रुपए का फैन अलग देना पड़ेगा, 4600 में आपको मिल जाता है। ओके ग्रेट। बाकी भैया इसके लिए तो भैया सबसे सस्ता मदरबोर्ड A320 लेना पड़ता है, सबसे सस्ता मदरबोर्ड A320 कितने का होगा? तो दे दूंगा 4700 में, 4700 का होने वाला है, ओके। देन भैया इसके मुझे बताइए SSD कुछ रखिए, 240 GB किंगस्टन SSD क्या रेट है? 2100 रुपए का, 2100 रुपए की। गीगाबाइट का रखिए, थोड़ी प्रीमियम ब्रांड, 120 GB SSD NVMe है ये, SATA SSD। अच्छा SSD क्या रेट है? SATA SSD 120 GB आपको आएगी 1300 रुपए की, 1300 रुपए की। एंड सोचने वाली बात है, जबकि बड़े बड़े में लिखा है SSD, फिर भी मुझे पूछना पड़ रहा है, कोई नहीं। खैर इससे आपको चीपर में चाहिए 120 GB तो नेक्स्ट में मिल जाएगी। हाँ 120 GB वो तो हमने कवर कर ली थी। एक जैबॉन की भी आपके पास रखी है यहाँ पर इतनी सारे, एंड मुझे बता दीजिए 120 GB 256 GB क्या रेट पड़ेगी दोनों? 120 GB आपको आएगी 850 रुपए की, 120 GB 120 GB 850 की, एंड 256 GB 256 GB आपको आएगी 1400 रुपए की, 1400 रुपए की होने वाली है, ओके। मतलब ये लीजिए SSD तो मतलब काफी सस्ती होगी है ना। नेक्स्ट वन में जाइए, इसमें जाइए, जेब्रोनिक में जाइए, सबका एक ही प्राइस है, एंड कंसिस्टेंट का भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहा है, कंसिस्टेंट में वारंटी 5 साल की देखने को मिलती है SSD में। मुंबई में कम बिकता है थोड़ा, मुंबई में वो ब्रांड नहीं बिकता इतना, हाँ दिल्ली में थोड़ा ज्यादा बिकता है। बट अगर बात की जाए यहाँ पर मदरबोर्ड की, गेमिंग माइनिंग दोनों में यूज होता है, क्या प्राइस है इसका? माइनिंग में B450 स्टील लेजेंड 8400। एंड अगर बात की जाए प्रोसेसर का तो प्राइस आपको, हाँ बिल्कुल प्रोसेसर का प्राइस तो अपडेट हमने कर ही दिया था। ये TB360 BTC 2.0 क्या प्राइस है? TB360 BTC Pro आपको आएगा 19500 का, 19500 रुपए का होने वाला है। घर के लिए प्राइस आप हुए वापस से 18500 के आसपास आएंगे, एक दो हफ्ते तक मटेरियल नहीं है तो थोड़ा प्राइस आप है, ओके। देन ये तो हमने कवर कर ही लिए थे आपके 20660 और ये B500, हाँ ये आई थिंक आपके इंटेल के लिए रहता है 10 और 11 दोनों जनरेशन में चलते हैं। B500 660 मतलब 9500 का आएगा, हाँ 560 MB, थोड़ा नाम मैंने गलत ले लिया था, 3H है, 4 RAM स्लॉट वाला, मतलब 4 RAM स्लॉट। क्या प्राइस क्या बताया था? 9500, ओके ग्रेट। सो गाइज काफी सारी चीजें है। अच्छा एक AIO भी पढ़ा था तो लगे हाँ तो इसे भी कवर कर लेते हैं। AIO GameX L24 ARGB क्या रेट है डीप कूल का? ये आपको आएगा 5100 का, 5100। एंड कवर कर लेते हैं AIO, मतलब एक PC आपने यहाँ पर बनाया है तो गाइस आप देख सकते हो कैसा प्यारा PC मतलब लग रहा है। कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, आप बता पाओगे? इसमें i9-12900K लगा है और Z690 Asus का MSI का मदरबोर्ड है। फिर अपना जो ग्राफिक कार्ड है 3070 Ti जो मैंने RGB वाला PNY का आप बता रहे थे वो दिखा दीजिए। अच्छा हाँ लोग पूछ रहे थे ना RGB कैसे, देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा फोन के साथ एक्सपेरिमेंट, देख लो RGB है बट फिर भी यार देखो सस्ता फोन है इतना नहीं दिखा पाएगा। तो रैम कौन सी हुई है ना इसमें? कॉर्सर की 16 GB DDR4 2 के जो
32 into 16 into 2 की किट आती है वो, 32 GB इसमें रैम लगाई बेसिकली। ओके, और एंड फ्रंट से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि केस कौन सा यूज करा है। कूलर मास्टर का 520, कूलर मास्टर का 520। ओके, सो गाइस पीसी भी यहाँ पर आप बनवा सकते हो, तो पीसी काफी अच्छा लग रहा है। एंड इधर से आप देख लो ARGB फैन, ARGB रैम, AIO कूलर और RGB फैन मदरबोर्ड, बेस्ट कॉम्बो है। मुझे एक चीज बताइए, टोटल प्राइस कितनी होगी इस पीसी की? ये बना है 1,60,000 में, 1,60,000। हाँ, और इसमें SSD लगी हुई है 1TB सैमसंग की 980, 16 GB कॉर्सर रैम है, ML240 डीप कूल का कूलर, 3070 Ti PNVR वाला कार्ड, और 12900K विद Z690 मदरबोर्ड। ओके ग्रेट, वापस चलते हैं वहां पर। सो गाइस आप जैसे पीसी बनवा सकते हो, देखो आपको पता है एसेसरीज इतनी सारी है कि हम कितनी ही वीडियो बन जाएगी, प्रोसेसर की आधे घंटे की बन जाएगी, मदरबोर्ड की आधे घंटे की बन जाएगी, AI अलग, SSD अलग, RAM अलग, लेकिन फिर भी यार टाइम एक लिमिटेड होता है आपके पास, हमारे पास भी, और कहाँ कैसे कैसे ना अरेंज करें, क्योंकि हर कोई इतनी वैरायटी लेके नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक दुकान लिमिटेड साइज की होती है, उसका एक रेंट होता है, तो ये चीज़ है। तो गाइज आपको कुछ भी चाहिए ना, जैसे अगर कोई रैम पसंद है कुछ भी, तो इनको व्हाट्सअप कर दो, मैं तो कहूँ कॉल मत करो, व्हाट्सअप पर क्वेरी डाल दो, भाई जैसे फ्री होंगे आपको रेट डाल देंगे, ठीक है। ग्राफिक कार्ड और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीजें होते हैं वो तो इनके पास स्टॉक में रहती है, जो थोड़ी कम बिकती है वो ऑन ऑर्डर ही अरेंज करवाते हैं। सो गाइस आई थिंक वीडियो काफी अच्छी होगी। अच्छा, दो तीन चीज और कवर कर लेते हैं फिर वीडियो का एंड करते हैं। राइजर केबल रखते हो? राइजर केबल पड़े देख लीजिए, दिखाइए भैया, 12 प्रो भी है, 14 प्रो भी पड़े हैं, 3। ओह माय गॉड, राइजर तो भाई भर भर के है। ये कौन सा है? ये 12 प्रो है, 12 प्रो। क्या रेट है इसका? ये आपको दे दूंगा 450 में, 450 450 का इसका प्राइस होने वाला है। एंड हाँ, नीचे तक राइजर केबल है ना, आई थिंक सब राइजर है, देख लीजिए सब राइजर पड़े हुए, सब राइजर है, ये भी राइजर केबल, ठीक है। सो गाइस बिल्कुल आपको कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, एड्रेस, करंट लोकेशन सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी वीडियो काफी अच्छी रिकॉर्ड हुई है, एंड थैंक यू भैया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।